वी हैव टेकन द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, तो प्रिज्म लिया आपने, उसको कट कर दिया, तो हमने उसका प्रिंसिपल सेक्शन दिखाया है। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल नंबर वन, ये आपका पहला सरफेस, उसको ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे गया, टक्कर मारा, इट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, रेयरर टू डेंसर, सो इट शुड बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो, ये सीधा रास्ता था इसका, अनडिविएटेड पाथ, इट हैज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इधर पहुंचा। ये आपका दूसरा नॉर्मल है, सो व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इसीलिए इस एंगल को ई लिखा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये पहला रिफ्रैक्शन है इसलिए आर वन, यहाँ पे दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ आर टू, और ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट हैव वी डन, ये नॉर्मल वन को एक्सटेंड किया है, नॉर्मल टू को एक्सटेंड किया है एट पॉइंट डी, तो इट इज मीटिंग हियर एट पॉइंट डी। ये आपका अनडिविएटेड पाथ था, सो अनडिविएटेड पाथ गोइंग फ्रॉम पी क्यू, ये इंसिडेंट रे, सो दिस गिव्स मी द डिविएशन का एंगल, कितना डिविएट हुआ है, ये बाहर निकल रहा है, तो इमर्जेंट रे को पीछे खींच दे रहा, जहां पर मिलेगा ये एंगल आपका एंगल ऑफ डिविएशन। चलिए लेट अस बिगिन विद द बेसिक ज्योमेट्री एंड ट्राई टू गेट द आंसर। एक एक पॉइंट लिखते जाऊंगा, नहीं समझेगा तो प्लीज तभी का तभी बताना, सो दैट पूरा आंसर बहुत बड़ा है तो फिर क्या हो जाएगा कि अगर समझो पूरे आंसर के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट नहीं समझा रहेगा तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, अपने को फिर से पूरा लिखना पड़ेगा। So let's begin with the first point. In quadrilateral A U D R, तो हमने क्या किया, देखिए हमने पहले ये quadrilateral ले लिया, A ये Q ये D ये R, तो this is the quadrilateral that we are considering, right? So we can say A plus Q plus B plus R. 360, sum of all angles of a quadrilateral 360. अब इसमें से Q और R देखिए, ये तो आपके normal है ना, ये normal से बन रहा है, तो क्योंकि normal से बन रहा है तो ये दोनों का value 90 degrees होना चाहिए। एक स्टेप हम लोग खा जाएंगे बीच में, राइट, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या किया देखिए, समझ लीजिए, आपको समझना चाहिए कि क्या हुआ है, क्यू प्लस आर, ये क्यू 90 है आर 90 है, तो ये 90 प्लस 90 180 हो गया, 180 उस तरफ गया, 360 माइनस 180 हमने किया तो हमको मिला एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो जस्ट चेक आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आया क्या, ए प्लस क्यू प्लस डी प्लस आर, ये देखो चारों एंगल ले लिया, चारों एंगल मिला के 360, जिसमें से क्यू और आर 90 90, इसको उधर डाल दिया 180। Are we clear with the first step? Done hai sab log? Kisi ko koi dikkat, koi pareshani? Aage badh sakte hain? Chaliye, second step dekhiye. Triangle. Pehle quadrilateral liya, phir triangle lenge. So in triangle, अब अपने को triangle के बारे में क्या पता है, देखिए, we know that sum of all the angles is 180 degrees, so we can say that R1 plus R2 plus angle D is equal to 180 degrees,
Now observe the important result. Therefore, from 1 and 2, so 1 और 2 में देखो हमको क्या देखने को मिला? A plus D is equal to 180. R1 plus R2 plus D is equal to 180. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब A is equal to R1 plus R2. चलिए स्टूडेंट्स बताइए, आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? So we have compared these two equations. यहाँ पर आपको मिला था A plus B equal to 180. यहाँ पर अपने पास R1 plus R2 plus B equal to 180. तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए कंपैरिजन के बाद. स्टूडेंट्स पहला दो स्टेप्स क्लियर है क्या सबको? थैंक यू अंजलि, थैंक यू विशाल. ओके चलिए, थैंक यू जॉर्डन. आप लोग भी अगर लिखते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. थैंक यू अंजलि. अब एक बार डायग्राम पे वापस आइए. यहां पर हमने कुछ थोड़ा जगह बचा हुआ है. वी विल राइट हियर एक्स, तो ये जो छोटा सा जगह बचा है यहां पर लिखो आप x, यहां पर आप लिखोगे y. क्योंकि जो हम तीसरा स्टेप करने जा रहे हैं उसमें हमको इसका जरूरत पड़ेगा. तो बेसिकली आपका फिलहाल ज्योमेट्री में काम चल रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टेप 3 करते हैं हम लोग. पॉइंट नंबर 3 पे आइए. यहां पर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज करें. सो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, सो एक्सटीरियर एंगल, ये मेरा डेल्टा जो है ये एक्सटीरियर एंगल है. I can say delta is equal to x plus y. Exterior angle is equal to sum of the two interior angles. Exterior angle is equal to sum of the two interior angles. So delta is my exterior angle. It is equal to sum of the two interior angles. अरे ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या लिखा? क्लियर है सब लोगों? ओके चलिए, थैंक यू श्रावणी, थैंक यू विशाल वंस अगेन. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज किया है ज्योमेट्री वाला आपका. अब फिर से ध्यान से देखिए भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये अपने को पता है. देखो इधर ध्यान से, आई ये सामने जो एंगल है इट इज एक्स प्लस आर वन, और ई के सामने जो एंगल है इट इज वाई प्लस आर टू. प्लीज हैव अ लुक एट द डायग्राम. I and x plus r1, they are equal. I is equal to x plus r1. यहाँ पर e is equal to y plus r2. Students ध्यान दीजिए please. I is equal to x plus r1. Vertically opposite angles है दोनों. यहाँ e is equal to y plus r2. Vertically opposite angles है. अपने को क्या चाहिए देखो, अपने को चाहिए x plus y. x कैसे मिलेगा? I minus R1. Y कैसे मिलेगा? E minus R2. And that is what we are going to write over there. So, अपना delta is equal to step x. X के जगह पे हम क्या लिखेंगे? I minus R1. Y के जगह पे लिखेंगे E minus R2.
समझ में आ रहा है क्या सब लोग को? क्या सभी लोगों को समझ में आ रही है बात? Yes, students, are we getting this? Are we clear with this? Okay, thank you. Delta is equal to I plus E minus R1 plus R2. So delta is equal to I plus E minus A. क्योंकि R1 plus R2 क्या है? R1 plus R2 is A. A को आप दूसरी तरफ ले आइए तो आपको मिलेगा therefore A plus delta is equal to I plus E. बोलो भाई इधर तक समझ में आ रहा है क्या सबको? ये आपका आधा आंसर हो गया है. अब आगे क्या किया जाता है इसको एज एक्सपेरिमेंट किया जाता है और ये उसकी रीडिंग्स है. तो क्या एक्सपेरिमेंट है? हम ये एंगल जो है आई वी कीप ऑन वेरिंग दिस. तो आपने इसको अलग 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 वैल्यूज का आई आपने टेस्ट किया जिसके वजह से आपका डेल्टा का वैल्यू ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग. सो पॉइंट नंबर फोर में पहले ये बनेगा रिजल्ट. ये आपका ग्राफिकल रिजल्ट है जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है. अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है देखिए. सो एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया है कि व्हेन डेल्टा इज मिनिमम I is found to be equal to E, or you can say when I is equal to E, delta is found to be minimum. So when I is equal to E, delta is delta minimum. Also R1 is equal to R2, इसको आप लिख देंगे R1. क्योंकि जब आपका I और E सेम हो जाएगा तो R1 और R2 का वैल्यू भी सेम हो जाएगा. तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग I के वैल्यूज के साथ, रीडिंग्स नोट डाउन किया और ये उसका फाइनल रिजल्ट है दैट व्हेनेवर वी गेट I equal to E, delta becomes minimum. Obviously, R1, R2, it becomes equal to R. इसको हम apply करेंगे जो हमने पहले जो points किए हैं, वहाँ पर जब हम इसको apply करेंगे, तब क्या बनता है देखिए. So therefore, A plus delta min is equal to I plus I. That makes it why? Why? Because I is equal to E, no? I is equal to A plus delta M upon 2. A is equal to R1 plus R2, so that can be written as 2R. So therefore, R is equal to A by 2. तो हमने क्या किया देखिए, हमने जो A plus delta equal to I plus E लेके आया था in the third point, उसमें हमने I का value निकाल दिया. So we are getting I over here. फिर हमारे पास जो triangle लेके, ये triangle लिया था यहाँ पर A is equal to R1 plus R2 मिला था, but R1 R2 is same as R, so R, so R is equal to A by 2 आ गया. अब students आप देखिए, अभी हम जो prism formula लाने वाले हैं, so according
Lenz's law. Mu is equal to sin I upon sin R. ये अपने को मालूम है बचपन से, right? Mu is equal to sin I upon sin R. Snell's law किया है हम लोग ने. So mu is equal to according to Snell's law, we will sign up on sin R. I आपको मालूम है, आपने I के जगह पे substitute किया. R आपको मालूम है, आपने R के जगह पे substitute किया. ये है आपका, ठीक है. तो इसके साथ वाला concept thin prism. Thin prism क्या है? जब भी आपका E का value less than 10 degrees होगा. Very good, Nisha. Is less than 10 degrees, then such a prism is known as a thin prism. अब इसमें speciality क्या है या अलग बात क्या है ध्यान दें? For small angles, sin theta can be written as theta. This is when we are measuring it in radians. तो थीटा जो आपका एंगल है उसका ऐसा यूनिट रेडियन ही है बेसिकली. तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू थीटा. तो अब आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा ध्यान से देखो. तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू आपका दोनों साइन का टर्म्स निकल जाएगा. तो ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू अपॉन इक्वल टू तो अब आपको क्या मिलेगा? देखिए ये a को आप ऊपर ले लो. तो mu a is equal to a plus delta m तो delta m is equal to mu a minus a. A is common, so this is a minus. ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका फॉर अ थिन प्रिज्म. सो फॉर अ थिन प्रिज्म वी राइट डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन. अब आप सेम चीज को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो. देखिए आपको एक और तरीका दिखाता हूं इसके आगे सिंप्लीफाई करने. आपके पास है म्यू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन सेम आंसर है. So you will have mu is equal to a upon a plus delta m upon a. A upon a one हो जाएगा. इस one को आप दूसरी तरफ लेके जाइए. Mu minus one is delta m upon a. Delta m is equal to a into mu. So we are coming up with the same result. ये है हमारा thin prism.